खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। स्वामी जी कहते हैं, इंसान मतलब इनफाइनाइट स्प्रिंग, जो एक बहुत छोटे से डब्बे में बंद है। ये स्प्रिंग कुंडली मारे बैठी हुई है और आजाद होने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मैन इज लाइक एन इनफाइनाइट स्प्रिंग कॉइल्ड अप इन अ स्मॉल बॉक्स एंड दैट स्प्रिंग इज ट्राइंग टू अनफोल्ड। इस स्प्रिंग का आजाद होना, इंसान के अंदर असीम शक्ति का प्रकट होना जीवन का लक्ष्य है। स्वामी जी कहते हैं, यह असीम शक्ति का संदेश युगों से गूंज रहा है। स्वामी जी कहते हैं, भगवत गीता वेदांत का ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन है और भगवत गीता का मुख्य संदेश है कि आंतरिक अनुशासन से शक्तियों को जगाना। टू कल्टिवेट स्ट्रेंथ थ्रू स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ भगवत गीता। 1897 में स्वामी जी पश्चिम से लौटे और मद्रास के भाषणों में उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को हिलाकर रख दिया। युवाओं को संबोधित करते हुए स्वामी जी कहते हैं, आध्यात्म का सबसे बड़ा पाठ जो मैंने अपने जीवन में सीखा है वो है शक्ति और सामर्थ्य, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज व्हाट द उपनिषद स्पीक टू मी फ्रॉम एवरी पेज। उपनिषद का हर प्रश्न मुझसे शक्ति और सामर्थ्य की बात कहता है और ये संदेश भगवत गीता में मिलता है। स्वामी जी कहते हैं, इस एक श्लोक को पढ़ने से पूरी भगवत गीता पढ़ने का लाभ मिलता है। क्लैव्यम मास्मगम पार्थ, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इस तरह की निर्बलता महसूस करना तुमको शोभा नहीं देता। हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। स्वामी जी कहते हैं, इस एक श्लोक में भगवत गीता का पूरा सार छिपा है कि इंसान कमजोर नहीं है, इंसान अमर आत्मन है। इस वाक्य का क्या मतलब है? हम नौजवान इसे कैसे समझें? स्वामी जी कहते हैं कि हम एटम के बारे में जानते हैं, लेकिन मन क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जब हम मन की सच्चाई खोजने के लिए इसकी सोर्स की तरफ अंदर मुड़ेंगे तो उपनिषदों का सत्य प्रकट होगा। द वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। यही वेदांत का सच है कि पूरा ब्रह्मांड हमारे मन की रचना है और हमारा मन सीधा उस परम शक्ति से जुड़ा है। स्वामी जी कहते हैं, जिसको ये अपने अनुभव से पता है वो हर डर से मुक्त फियरलेस हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, यही मैनलीनेस मर्दानगी और पौरुष की फिलॉसफी है। दोस्तों, ये वीडियो फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग किताब के चौथे चैप्टर गॉस्पल ऑफ मैनलीनेस की समरी है। स्वामी जी की ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैनलीनेस की फिलॉसफी क्या है? दोस्तों, अल्फा और सिग्मा बन जाना या मूछों को ताऊ देना या शरीर से मर्द होना, ये मैनलीनेस की भावना नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, हर दिन चुनौतियों का, जिम्मेदारियों का साहस, सामर्थ्य और मानसिक दृढ़ता से सामना करना मैनलीनेस की असली परिभाषा है। क्योंकि मेरा स्वभाव कमजोरी का नहीं है, मन और इसके विचार, चिंता, क्रोध, डर आदि मुझे छू नहीं सकते। मेरी जीत निश्चित है, होकर रहेगी, इस सत्य में स्थिर होना पौरुष है। मैनलीनेस इज इक्वल टू साहस और सामर्थ्य। स्वामी जी कहते हैं कि जीवन के हर अनुभव के साथ मुझे समझ आया कि व्यक्ति उद्देश्य के लिए कितना साहसी, कितना निडर है, सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है। सारा सीक्रेट इस एक शब्द मैनलीनेस में छिपा है। शंका और समाधान। लोग शंका करते हैं कि क्या इंसान में कमजोरी नहीं होती, क्या इंसान में डर नहीं होता? बिल्कुल होता है, उपनिषद भी कहते हैं। लेकिन क्या कमजोरी से कमजोरी को जीता जा सकता है? क्या गंदगी से गंदगी साफ होती है? नहीं, हमको हर कदम पर कमजोरी को हराना है। बिना संघर्ष के उन्नति और आत्मविकास संभव नहीं है। फिर संघर्ष से क्यों डर लगता है? हिप्नोटिज्म के कारण। स्वामी जी गुलामी की मानसिकता में जकड़े देश से कहते हैं, हजारों सालों से तुमको बताया गया कि तुम कमजोर हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, और तुमने इस बात पर यकीन कर लिया। अब अपने अंदर वीरता जगाओ। उससे क्या होगा? वीरता जागने से आपकी दृष्टि बदल जाएगी और आपको पता चलेगा कि लाइफ इज डिवाइन। स्वामी जी कहते हैं, एटम से लेकर ब्रह्मांड तक, फूलों से लेकर ज्वालामुखी तक, सब कुछ अद्भुत है। आपका जीवन अद्भुत है, लेकिन इसे सच में अनुभव करने के लिए साहस और सामर्थ्य की जरूरत है। यही वो दो गुण हैं, साहस और सामर्थ्य, जिससे इंसान के भौतिक और आंतरिक जीवन का विकास होता है। स्वामी जी कहते हैं, इस शक्ति से हम अपने जीवन की हर चुनौती पार करेंगे, और यदि पार न कर सके तो चरित्र की शक्ति से उनको सहन करेंगे। मैनलीनेस के साथ साथ स्वामी जी पाप और पुण्य की डेफिनेशन स्पष्ट करते हैं।
स्वामी जी कहते हैं कि अगर इस दुनिया में किसी चीज को पाप कहा जा सकता है तो वो केवल डर है। जो कर्म तुम्हारे मन और शरीर को कमजोर बनाते हैं वो पाप है। सब दुखों का कारण यही कमजोरी है। और जो कर्म तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति यानी आत्मा की शक्ति को बाहर लाते हैं वो पुण्य है। रिवर्स दी वाइब्रेशन। स्वामी जी जो उस समय कह रहे थे वो आज भी सच है। वे कहते हैं, अभी मुझे चारों ओर डर के वाइब्रेशन दिखते हैं। हर कोई खुद को कमजोर मानता है। इस सोच को बदलो, विपरीत वाइब्रेशन लेकर आओ। नर्व्स ऑफ स्टील। कुंभकोणम के भाषण में स्वामी जी भारतीय युवाओं से कहते हैं, अभी हमारे देश को लोहे की मांसपेशियों वाले, स्टील की नसों वाले ताकतवर, अडिग और साहसी लोग चाहिए। ऐसे लोग जिनकी इच्छा शक्ति के सामने रुकावटें अपना सर झुका लें। हमको इच्छा शक्ति से पैदा हुई ऐसी एकाग्रता चाहिए जो ब्रह्मांड के रहस्य को भेदने का दम रखती हो। हर युवा के अंदर ये इच्छा शक्ति, एकाग्रता और साहस विकसित किया जा सकता है। स्वामी जी कहते हैं, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, मैं बुराई मिटाने की भी कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो बस आपके अंदर शक्तियों को जगाना चाहता हूँ। शक्तियाँ जग जाने से बाकी सारी परेशानियाँ अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपके हर परेशानी का जवाब आपके अंदर से पैदा हुआ साहस और सामर्थ्य है। मैनलीनेस कैसे पैदा हो? बिना आत्मा को जगाए मैनलीनेस पैदा नहीं हो सकती, और उसकी पहली कीमत है कॉन्स्टेंट विजिलेंस। स्वामी जी कहते हैं, द प्राइस ऑफ स्ट्रेंथ इज कॉन्स्टेंट विजिलेंस। निरंतर सचेत बने रहना कि मैं मन का स्वामी हूँ, डर, चिंता, क्रोध या कोई विकार मुझे छू नहीं सकता, ये शक्ति की कीमत है जो आपको चुकानी होगी। दूसरी क्वालिटी है दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन। स्वामी जी युवाओं से कहते हैं, अपना भाग्य खुद बनाओ। ग्रेट कन्विक्शंस आर दी मदर ऑफ ग्रेट डीड्स। वे शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती से कहते हैं, इस बात पर दृढ़ विश्वास करो कि हम में इतनी शक्ति है जिससे हम अपनी सारी कमियों को और सारे दुखों को मिटा सकते हैं। इस पर दृढ़ विश्वास करो और देखो ये परम शक्ति प्रकट हो जाएगी। बिलीव दिस एंड द पावर विल बी मैनिफेस्टेड। स्वामी जी कहते हैं, मैंने कई बार इस शक्ति को महसूस किया है। भारत भ्रमण करते हुए मैं दिन रात चलता, कई बार कुछ खाने को नहीं होता, पैर में छाले हो जाते, एक कदम और चलने की ताकत नहीं होती। मुझे लगता अब जीवन नहीं बचेगा, ये मेरी आखिरी सांसें हैं। मैं पेड़ के नीचे गिरकर बैठ जाता, बोलने और सोचने की शक्ति भी ना होती। लेकिन फिर मन में अंतिम विचार आता, ना मुझे डर है, ना मृत्यु की चिंता, ना भूख ना प्यास, मैं हूँ, मैं अनंत हूँ, पूरी प्रकृति मुझे नष्ट नहीं कर सकती। वे प्रार्थना करते, हे आत्मन, अपनी शक्ति दोबारा हासिल करो, खोया हुआ साहस दोबारा पैदा करो, उठो, आगे चलो और रुको मत। ऐसा बोलकर स्वामी जी खुद को पुनर्जीवित कर लेते और शक्ति पाकर दोबारा चल देते। स्वामी जी कहते हैं, यह शक्ति हम सबके अंदर है और अपना काम कर रही है, और इस शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मैं आपके सामने जीवित हूँ। मैनलीनेस कैसे पैदा हो, इसके लिए तीसरी बात है, परेशानी की आंखों में आंखें डालकर देखो। स्वामी जी कहते हैं, कभी हिम्मत मत हारो, कभी मत सोचो कि इतना साहस और धैर्य कहाँ से आएगा। जब हम अपने सबसे बड़े डर का, सबसे बड़ी मुसीबत का आंखों में आंखें डालकर सामना करते हैं, तब हमारी सबसे बड़ी शक्ति प्रकट होती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, बताओ कि आपने जीवन में कितनी कठिन मुश्किलों का सामना किया है, फिर मैं बताऊंगा कि आप कितने महान और शक्तिशाली हो। चौथी बात, हर प्रकार से शक्ति का विकास। स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी डरपोक कह सकता है कि सब कुछ एक है और मैं आत्मा हूँ, इसलिए ये किसी से मत कहो। केवल साहसी लोग असल में शक्ति का विकास करते हैं। उपनिषद भी तीनों शक्तियों पर जोर देते हैं, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आंतरिक शक्ति। इसलिए स्वामी जी स्टूडेंट से कहते हैं, आपकी पहली जिम्मेदारी है मानसिक और शारीरिक शक्ति का विकास करना। आपके एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में फुटबॉल होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो से हम बहुत सारी बातें याद रख सकते हैं। समरी, मैनलीनेस का क्या मतलब है? स्वामी जी कहते हैं, नन इज रियली वीक, अवेक 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 फ्रॉम दिस हिप्नोटिज्म ऑफ वीकनेस। कमजोरी के सम्मोहन से जागो, आप में से कोई कमजोर नहीं है। आपकी सारी रुकावटों का जवाब आपकी शक्ति और सामर्थ्य में है। हर दिन चुनौतियों का, जिम्मेदारियों का साहस, सामर्थ्य और मानसिक दृढ़ता से सामना करना मैनलीनेस की असली परिभाषा है। पाप और पुण्य। स्वामी जी कहते हैं कि जो कर्म तुम्हारे मन और शरीर को कमजोर बनाते हैं वो पाप हैं।
जो कर्म आत्मा की शक्ति को जगाते हैं वो पुण्य है। स्वामी जी कहते हैं, मैं हर किसी के अंदर सोता हुआ आत्मन देख सकता हूँ, सोती हुई शक्ति देख सकता हूँ। असीम शक्ति का प्रकट होना ही जीवन का लक्ष्य है। कैसे पैदा होगी मैनलीनेस, कैसे पैदा होगा ये साहस और सामर्थ्य। प्राइस ऑफ स्ट्रेंथ इज कॉन्स्टेंट विजिलेंस। हमेशा सचेत रहो कि मैं मन का स्वामी हूँ, मन मुझसे है, मैं मन से नहीं हूँ। दूसरी बात, अपनी आंतरिक शक्ति से आप अपने सारे दुख और दर्द मिटा सकते हो, इस बात पर दृढ़ विश्वास करो। तीसरी बात, परेशानी की आंखों में आंख डालकर देखो, जितनी बड़ी परेशानी उतनी बड़ी ताकत प्रकट होगी। ये बात पूर्णतः सत्य है, जितनी बड़ी परेशानी उतनी बड़ी ताकत प्रकट होगी। चौथी बात, हर प्रकार से शक्ति का विकास, शारीरिक, मानसिक, आंतरिक, हर प्रकार से शक्ति का विकास करो। इस प्रकार से शक्ति, सामर्थ्य और साहस पैदा होता है। शक्तियां जग जाने से बाकी सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपकी हर परेशानी का जवाब आपके अंदर से पैदा हुआ साहस और सामर्थ्य है, और यही मैनलीनेस की असली परिभाषा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आयुर्वेद और न्यूरोसाइंस की नज़रों से देखिए कि ओजस की शक्ति जगाने से कैसे जीवन बदलता है। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।